हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट के बारे में कि वर्तमान में राजस्थान के किन इलाकों में बारिश की धुंधिया जारी है और आने वाले 4 से 6 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के किन इलाकों में बारिश की धुंधिया बढ़ने वाली है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं राजस्थान पर वर्तमान में देखा जाए तो किस प्रकार के सिस्टम मौजूद हैं। सिस्टमों की बात करें तो वर्तमान में ट्रफ देखा जाए तो जैसलमेर बीकानेर के बॉर्डर से होते हुए जोधपुर के उत्तर, ब्यावर के उत्तर से होते हुए कोटा के आसपास बना सर्कुलेशन के आसपास तक बढ़ रही है। ट्रफ के आसपास देखा जाए, ट्रफ के पश्चिम में या दक्षिण में देखा जाए तो संपूर्ण इलाकों में आज रात से बारिश की धुंधिया बढ़ने वाली है। ट्रफ के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी आज वर्तमान में कई इलाकों में तेज या मूसलाधार बारिश की धुंधिया आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रफ के दक्षिण में आने वाली अरब सागरीय नम हवाओं के कारण और उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं के मध्य जो मेल हो रहा है वो देखा जाए तो ट्रफ के आसपास है, जिस कारण से ट्रफ के आसपास ही आज कहीं की तेज मूसलाधार और कहीं लंबी बारिश की धुंधिया आज राजस्थान के देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, नागौर के क्षेत्रों में आज आपको देखने को मिल सकती है। ये बारिश की धुंधिया देखा जाए तो रात होते होते बाड़मेर, जालौर, उदयपुर तक बढ़ने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं लाइव सैटेलाइट इमेज के माध्यम से कि राजस्थान में किन इलाकों में बारिश की धुंधिया बढ़ रही हैं। आइए देखते हैं लाइव सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में भी कि ट्रफ जहां स्थित थी उसी के आसपास वर्तमान में देखा जाए तो घने बादलों की जमावड़ा आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आज शुरुआत करें जैसलमेर से तो तनोट माता रामगढ़ के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्र में वर्तमान में कुछ बादल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अर्जुन सरकारी तालाब बहला नाशना के आसपास से लगाकर शानदन जैसलमेर लगभग देखा जाए तो इन क्षेत्रों तक ये बादल पहुंचने वाले हैं। पोकरण भनियाना देसू शुल्किया तला के आसपास देखा जाए तो ओशिया फलोदी नौक खिंडासर नौखा के आसपास वर्तमान में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। रंजीतपुरा के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड बारिश की धुंधिया आपको देखने को मिल सकती है। जोधपुर शहर से लगाकर जोधपुर शहर के आसपास देखा जाए तो आगुलाई तक ये बादल बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, जो शेरगढ़ के आसपास पहुंच चुके हैं वर्तमान में। इन बादलों की बात करें तो मोखा भरवा पाटोदी कल्याणपुर बालोतरा तक ये बादल कुछ ही घंटों बाद पहुंचने की संभावना है, क्योंकि जो बादल बने हुए हैं वो ट्रफ के आसपास बने हुए और अरब सागर से आने वाली हवा का प्रभाव इन बादलों को देखने को मिल रहा है, जिस कारण इन क्षेत्रों में आज आने वाले शाम तक देखा जाए तो इन क्षेत्रों में काफी तेज या मूसलाधार बारिश की धुंधिया आपको देखने को मिल सकती है। जायल अजमेर मेड़ता सिटी ब्यावर के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में बादल बने हुए हैं। अंशीद भीलवाड़ा मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद उदयपुर सोलुम्बर डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में काफी बादल बने हुए हैं और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की धुंधिया भी देखने को मिली है। गुजरात के देखा जाए तो वारमनगर अहमदाबाद के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में काफी घने बादल हैं और इन क्षेत्रों में तेज या मूसलाधार बारिश की धुंधिया भी देखने को मिली है। झालरापाटन झालावाड़ के आसपास देखा जाए तो कोटा लाखेरी के आसपास वर्तमान देखा जाए सवाईमाधोपुर टोंक मालपुरा साक्सू के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में बादल बने हुए हैं। जयपुर के आसपास भी आज कहीं कहीं खंड बारिश की धुंधिया देखने को मिली है। शुरू के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी आज कहीं कहीं मूसलाधार या खंड बारिश की धुंधिया एक दो इलाकों में देखने को मिली है। बाकी देखा जाए तो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के पंजाब से सटे इलाकों में देखा जाए तो हरियाणा के सटे इलाकों में कहीं कहीं बादल बने हुए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः कहीं खंड बारिश के साथ शुष्क देखने को मिल रहा है। मुख्य बारिश की बात करें तो जो जैसलमेर के कई इलाकों में, बीकानेर, जोधपुर के कई इलाकों में वर्तमान में देखने को मिल सकती है। जल्दी बारिश की धुंधियों की बात करें तो बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर के क्षेत्र में बढ़ने वाली है। जैसलमेर के कई इलाकों में देखा जाए तो आज तेज या मूसलाधार बारिश की धुंधियां आने वाले कुछ ही घंटों में देखने को मिल सकती है। जो रामगढ़ से लगाकर देखा जाए तो रामगढ़, श्री मोहनगढ़ से पोकरण, उंडू, शेरगढ़, जोधपुर तक ये बारिश की धुंधिया आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ ही घंटों में। देखा जाए तो बारिश की धुंधिया जैसलमेर शहर से लगाकर शिव बाड़मेर तक ये आपको देखने को मिल सकती है। बालोतरा के आसपास भी वर्तमान में काफी बादल बने हुए हैं, परंतु जल्दी ही इस क्षेत्र में बारिश की धुंधिया शुरुआत देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं अगली सैटेलाइट इमेज में किस प्रकार के बादल बने हुए हैं। इस इमेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसलमेर से लगाकर रामगढ़, जैसलमेर के आसपास, उंडू, शेरगढ़, जोधपुर के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में ये बादल जो पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए बादल है, इन्हीं क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ रही है, क्योंकि जो नम हवाओं से हल्के निशाई वाले बादल बन रहे हैं उन्हीं का इमेज आपको पीला ही दिखाई दे रहा है और ये बढ़ते हुए बादल आपको देखा जाए तो जैसलमेर के आसपास जल्दी पहुंचने वाले हैं। जैसलमेर से लगाकर उंडू, शेरगढ़, जोधपुर के आसपास ये क्षेत्रों में वर्तमान में शाम 4:30 बजे के अनुसार देखा जाए तो इन क्षेत्रों में बारिश की धुंधिया आपको देखने को मिल रही है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी खंड बारिश की धुंधिया आपको देखने को मिल रही है। बाकी देखा जाए
सूरजगढ़ के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्र में नौर भादरा के आसपास हल्के बादल बने हुए हैं और कहीं कहीं खंड बारिश की गतिया भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो रंजीतपुर के आसपास वर्तमान में कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिया आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान के मौसम अपडेट। बाकी देखा जाए तो लो प्रेशर ये वर्तमान में देखा जाए कोलकाता के आसपास केंद्रित है। इन्हीं लो प्रेशर सिस्टम से आप किस प्रकार के बादल देखने को मिल रहे हैं जो भुवनेश्वर से लगाकर थनाबाद राजशाही ढाका और जो बांग्लादेश में स्थित है इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। आने वाले समय में देखा जाए तो इसी ये सिस्टम का प्रभाव जो राजस्थान पर स्थित सर्कुलेशन के प्रभाव से बढ़ने वाला है जिस कारण से राजस्थान के कई इलाकों में तेज या मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आपको भी देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में देखा जाए तो आने वाले 30 सितंबर तक देखा जाए तो राजस्थान में कहीं कहीं रुक रुक कर कहीं कहीं तेज मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की दुनिया का दौर संपूर्ण राजस्थान में जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। तो मौसम तक राजस्थान DRT के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।